आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किसी पदासी नेता मंत्री पर अगर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो क्या उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, ऐसा इस देश में हुआ है। ऐसे कई नेता हुए हैं जिन्होंने महज एक आरोप के बाद इस हाथ आरोप लगा, इस हाथ इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या इस्तीफा देना जरूरी है? जी नहीं, इस्तीफा देना भी जरूरी नहीं है। अभी केवल आरोप लगे हैं, साबित होना बाकी है। ऐसे भी खूब मामले आए जब मंत्रियों ने आरोपों के बाद इस्तीफा नहीं दिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का एक आरोप है और उनका मामला सुर्खियों में चल रहा है, तो क्या गणेश जोशी इस्तीफा देंगे? क्या पार्टी, सरकार, मुख्यमंत्री उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने वाले हैं, या फिर कोई एक ऐसा रास्ता खोज लिया गया है जो बीच का रास्ता है और जिस पर चलने से न केवल गणेश जोशी बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार और संगठन सभी का विन विन वाली सिचुएशन बनती चली जाएगी, सबको राहत की सांस मिल जाएगी? क्या ऐसा एक फॉर्मूला, एक रास्ता सरकार ने खोज लिया है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। क्या है राजनीति की नैतिकता, क्या है राजनीतिक शुचिता, जिसे हम पढ़ते, सुनते, कहते खूब आए हैं लेकिन होते हुए हमने बहुत कम देखा। राजनीति की शुचिता, नैतिकता कम दिखाई देती है। और ये नैतिकता क्या कहती है? ये नैतिकता कहती है कि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं और सरकार के किसी पद पर बैठे हैं, जनसेवा को करने के लिए बैठे, तब आपसे जाने अनजाने कोई ऐसा काम हो जाए जो गैरकानूनी, जो संविधान के खिलाफ, जो जनता की मूल भावना के खिलाफ, और ऐसा आरोप आप पर लगे, तो नैतिकता कहती है कि आप उस आरोप को स्वीकार कर लें और अपने पद को त्याग दें, तब तक जब तक आप कानूनी रूप से इस लड़ाई को जीत कर पाक साफ साबित होकर वापस ना आ जाएं। नैतिकता यही कहती है। लेकिन इस देश में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जहां नैतिकता भी दिखाई दी है और कहीं मजबूरी वश पद छोड़ना पड़ा है, और कहीं ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लतिया के, धकिया के मजबूर किया गया कि अब आप पद छोड़िए, बहुत किरकिरी हो गई, तब जाके लोगों ने पद छोड़े। ये तीन तरह की श्रेणियां भारतीय राजनीति के इतिहास में देखने को मिलती हैं, जब अलग अलग दौर में मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर पद भी छोड़े और तब पद भी छोड़े जब उन्हें मजबूर किया गया, जब उनके आगे हाथ जोड़ लिए संगठन ने कि आप माफ करो, और तब भी छोड़े जब गले तक बन आई, जब कोर्ट ने कहा कि आप FIR दर्ज कीजिए और गिरफ्तार कीजिए ना, तब जाके पद छोड़े। शुरुआत में जरा ये चर्चा कर लेते हैं, गणेश जोशी के मुद्दे पर मैं बहुत जल्द लौटने वाला हूँ। जिस राजनीतिक नैतिकता की मैं बात कर रहा हूँ, उस नैतिकता के भारतीय राजनीति में बड़े उदाहरण, और वो पहला उदाहरण जो बहुत सुना जाता है वो है लाल बहादुर शास्त्री का। रेल मंत्री रहते हुए एक हादसे के चलते कैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद को त्याग दिया था, उसका एग्जाम्पल आज तक भारतीय राजनीति में दिया जाता है जब कभी भी ऐसा कोई मामला सामने आता है। ऐसे ही एक वित्त मंत्री हुए TT कृष्णमाचारी, जिन्होंने मुंद्रा घोटाले के आरोप लगने के बाद अपना पद त्याग दिया। रक्षा मंत्री हुए VK कृष्ण मेनन, जिन पर आरोप लगे उन्होंने अपना पद त्याग दिया। ऐसे ही एक रक्षा मंत्री और हुए VP सिंह, पनडुब्बी सौदे में जब उनका नाम उछला तो VP सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। ये वो नाम है जो हमें बताते हैं कि कैसे पुराने वक्त में इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटें तो बड़े बड़े पदों पर रहते हुए एक आरोप के बाद इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने अपना
पद त्याग दिया। लाल बहादुर शास्त्री की ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, रेल हादसा हुआ था और उन्होंने उस दिन एक लंबी लकीर खींच दी इस्तीफा देकर। लाल बहादुर शास्त्री की तरह रेलवे मंत्रियों का इस्तीफा देने का भी इतिहास है, वो भी यहाँ पर आपको समझना और जानना चाहिए। ममता बनर्जी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था एक रेल हादसे के बाद। लालू प्रसाद यादव उनका भी इस्तीफा आया था। सुरेश प्रभु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुरेश प्रभु भी एक हादसे के बाद इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की रेस में है। ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने आरोप लगने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया, उनका मन नहीं माना, उन्होंने कहा कि नैतिकता यही है, सुचिता यही कहती है कि पद को छोड़ दिया जाए। अब दूसरी श्रेणी के भी नेता हैं। इस श्रेणी के नेता वो हैं जिन पर आरोप लगे लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे, बैठे रहे खूंटा डाल के जब तक कि उन्हें मजबूर नहीं किया गया। पहला नाम है ए राजा, 2G घोटाला, बिल्कुल सही। 2G घोटाले में जब ए राजा केंद्रीय मंत्री रहे 2007 से 10 तक UPA की सरकार में, उन पर आरोप लगा 2G स्पेक्ट्रम मामले में जो धोखाधड़ी हुई, ए राजा पर बड़े आरोप लगे और उस समय संसद सत्र को जिस तरह से व्यवधान डाला गया, NDA के तमाम नेता उस समय जिस तरह से सदन के भीतर हल्ला काटते थे कि ए राजा का इस्तीफा होना चाहिए, ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी में, वो नहीं देना चाहते थे। DMK के नेता, DMK के सुप्रीमो करुणानिधि के कहने पर ए राजा ने अपना पद छोड़ा जब अच्छी तरह से किरकिरी हो गई थी। ए राजा जब पद छोड़कर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। ए राजा तो आज भी 2G के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं, हालांकि CBI की विशेष अदालत में कनिमोजी समेत 17 ए राजा तमाम लोगों को बरी भी कर दिया गया, हालांकि CBI अभी दिल्ली के हाईकोर्ट में एक मामला ये अभी चल रहा है, लेकिन ए राजा ने फजीयत के बाद पद छोड़ा। ऐसा ही एक नाम जयललिता का आता है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, 3 बार मुख्यमंत्री रही और जब पहली बार मुख्यमंत्री थी जयललिता तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति का मामला लगा, ए राजा पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। पहले टर्म में जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तब उन पर आरोप लगा, 18 साल मामला चला और उसके बाद 2014 में जयललिता को सजा हो गई और तब भी वो मुख्यमंत्री थी और जब सजा हुई, जब उनके गिरफ्तारी के ऑर्डर हो गए कोर्ट से, तब जाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जयललिता का ये उदाहरण है। इसके अलावा दिल्ली के अभी जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, लिकर पॉलिसी वाले मामले में जब उन पर आरोप लगे, जब उनकी गिरफ्तारी होने की नौबत आई तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, एक उदाहरण ताजा ये भी है, इसे भी जान लीजिए, मनीष सिसोदिया का उदाहरण है। ये वो नाम है और ऐसे और भी कई नाम हैं जिन्होंने फजीहत होने के बाद, जब बिल्कुल गले तक पहुंच गया मामला, जब कोर्ट ने कानून ने शिकंजा कस लिया तब जाकर इस्तीफा दिया, उससे पहले इस्तीफा नहीं दिया। और एक तीसरी श्रेणी के और लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं। इसमें एक नाम ताजा उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल, लिकर पॉलिसी के मामले में वो भी ED और CBI के रडार पर हैं, उन पर भी मुकदमा हुआ है, जांच चल रही है, अभी जेल से छूटकर बाहर आए, जमानत मिली है और आज तक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, ये ताजा उदाहरण है। ऐसा ही एक मामला UP के राकेश धर त्रिपाठी का है, अपना दल के नेता हैं, मंत्री रहे मायावती सरकार में, उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा, उन्होंने अपना पूरा टेन्योर निकाला और वो जब पद से हटे उसके बाद उन पर मुकदमे के बाद जो जांच चली उस पर उन्हें सजा भी हुई 2023 में, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी फिलहाल वो उनकी सजा पर रोक लगी है। लेकिन राकेश धर त्रिपाठी मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का मामला झेलने के बावजूद उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, इस्तीफा नहीं दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है
रमन सिंह सरकार, पिछली रमन सिंह की सरकार में जो मंत्री रहे अजय चंद्राकर वो नाम है जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए जिन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, बड़ा बवाल हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पूरा टर्म पूरा किया, इस्तीफा नहीं दिया। वो भी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए, उस श्रेणी का जिन पर आरोप लगे आय से अधिक संपत्ति का, लेकिन इस्तीफे नहीं हुए। पी चिदंबरम बहुत बड़ा नाम भारतीय राजनीति का, भारत के वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, उन पर भी 2G घोटाले के तार जुड़े, उन पर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले चले, लेकिन जब तक पी चिदंबरम पद पर रहे उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। सदन में उनके इस्तीफे को लेकर बहुत हो हल्ला हुआ, विपक्षी नेताओं ने यूपीए सरकार का जीना हराम कर दिया, संसद चलाना मुश्किल हो गया, बावजूद इसके पी चिदंबरम ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। जब सरकार से हटे उसके बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसा, वो जेल भी गए, फिलहाल बाहर। तो ये वो तमाम नाम है जो पद पर रहते हुए जिन पर आरोप लगे लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसा ही एक नाम, ताजा उदाहरण और एक ले लीजिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, उन पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है, CBI भी पीछे हाथ धो के पड़ी है, लेकिन मामला कोर्ट में है। और DK शिवकुमार अभी भी उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और वो कहते हैं कि आरोप लगे हैं, कोर्ट जो कहेगी वो मैं करूंगा, यानी कि इस्तीफा देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और अभी दिया भी नहीं। अब लौटकर आते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर। गणेश जोशी क्या करेंगे, क्या इन तीन श्रेणियों में गणेश जोशी आते हैं? उन्हें इन तीनों में से किसी न किसी एक श्रेणी में तो आना ही होगा, या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, जो आरोप लगे हैं वो हो गई नैतिकता, वो हो गई राजनीतिक शुचिता, ऐसा करना, ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी श्रेणी है कि अगर उन्हें संगठन, भाजपा का आलाकमान, मुख्यमंत्री ये कहकर मजबूर करें कि अब आप इस्तीफा दीजिए, तब जाकर वो इस्तीफा देंगे, दूसरी श्रेणी में आएंगे। और तीसरी श्रेणी ये होगी कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने पद पर बने रहेंगे और ये मामला चलता रहेगा, विजिलेंस जांच करे, गणेश जोशी अपने आप को साबित करें कि वो सही हैं और वो अपना टेन्योर निकाल ले जाएंगे, क्या वो तीसरी श्रेणी में आएंगे। अब जो खबर आ रही है सरकार के स्तर से, बताया ये जा रहा है कि गणेश जोशी के लिए एक रास्ता खोज लिया गया, वो बीच का रास्ता ये है कि 8 अक्टूबर को विजिलेंस ने डेडलाइन तय की है कि कैबिनेट बताए कि गणेश जोशी पर मुकदमा हम करने जा रहे हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। तो बीच का रास्ता ये खोजा गया है कि हो सकता है कि सरकार एक इंटरनल जांच बिठा दे या इस मुकदमे को विजिलेंस कोर्ट को हरी झंडी दे दी जाए। और गणेश जोशी जो कहते हैं कि एक पुलिंदा है कि उनकी जो ज्ञात स्रोत हैं आय के, वो सब कागज उन्होंने मुख्यमंत्री को दिखा दिए हैं कि मुझ पर यह झूठा आरोप है, मेरे को जहां से संपत्ति मिली, जहां से मैंने पैसा कमाया, वो स्रोत मेरे पास हैं, वो आप देख लीजिए। वो पुलिंदा जो मुख्यमंत्री तक गणेश जोशी ने पहुंचाया है वो विजिलेंस को पहुंचा देंगे, वहां वो बता देंगे अधिकारियों को ट्रायल में कि साहब झूठे आरोप लगे हैं, और ये मामला चलता रहेगा। क्या ऐसा होने वाला है, ये बीच का रास्ता खोज लिया गया और यही विन विन सिचुएशन है क्या सबके लिए? लेकिन एक चर्चा और है, चर्चा ये भी है कि उत्तराखंड कैबिनेट का रिसफल होना है, विस्तार होना है और कुछ मंत्रियों के पर कतरे जाने हैं, विभाग बदलने हैं कुछ के, और कुछ की छुट्टी भी होने वाली है। तो क्या ये मौका है, क्या किसी एक मंत्री को बाहर करने के लिए सरकार इसे मौके के तौर पर देख रही है? BJP आलाकमान एक मौके के तौर पर देख रहा है कि चलिए इसी बहाने छुट्टी वाली लिस्ट में कहीं गणेश जोशी का नाम तो नहीं होगा, अगर छुट्टी वाली लिस्ट में गणेश जोशी का नाम नहीं होगा तो क्या विभागों में जो बदलाव होना है उसमें उन्हें
लपेट लिया जाएगा, क्या ऐसा होगा? ये चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं उत्तराखंड के राजनीतिक सियासी गलियारे में। 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है, उस पर सभी की नजरें हैं, और उसके बाद 19 अक्टूबर को विजिलेंस कोर्ट इस पर फैसला भी लेगी कि मुकदमा करने को लेकर क्या किया जाना है। तो क्या उससे पहले सरकार निर्णय ले लेगी गणेश जोशी पर, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, नज़रें हमारी भी हैं। अब देखना ये है कि राजनीतिक शुचिता, नैतिकता की लाइन पर गणेश जोशी चलेंगे या दूसरी श्रेणी में मजबूर होकर इस्तीफा देंगे, या तीसरी श्रेणी के नेताओं की तरह आरोप लगने के बाद पद पर बने रहेंगे और जवाब देंगे, और अगर बच गए तो ठीक है, फिर तो कथित तौर पर आरोपी रहे, फिर उन आरोपों का कोई मतलब नहीं है, और अगर मामला कहीं उलझ गया और फंस गए तो तब जाकर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।